आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि ठीक एनिमल मूवी की तरह, जिस मूवी में बाप और बेटे के बीच की कहानी है, उसी तरह इस मूवी में, जिस मूवी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मूवी का नाम है जो राम, जिसमें इस मूवी के अंदर भी एक बाप और एक बच्चे के बीच की ये पूरी स्टोरी है जिस पे पूरी फिल्म की कहानी निर्धारित है। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहें वीडियो के साथ। तो करते हैं शुरू। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राम, यू आर वेलकम टू फिल्मी राम। टुडे आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन दिस जो राम मूवी रिव्यू। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो राम मूवी के रिव्यू। तो चलिए शुरू करें। मूवी का ट्रेलर काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं इस ट्रेलर के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पूरी ट्रेलर की कहानी में जो भी पिक्चर सीन्स लिए गए हैं, जो भी क्लिप लिए गए हैं, वो पूरे क्लिप एक रियल घटना पे आधारित ये मूवी का ट्रेलर है, जो कि 8 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आप देख सकते हैं। वहीं हम बात करें इस मूवी की ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है मनोज बाजपेयी से, जो कि एक छोटे से बच्चे को सीने से लगाए कपड़े में बांधे पूरी फिल्म में दिख। मनोज बाजपेयी और एक छोटा बच्चा और उनकी पत्नी, ये तीन लोगों का मिलाकर एक छोटा सा परिवार मुंबई में एक कन्नड़ या फिर कह लिया जाए लुक्कड़ पे ये लोग अपना जो भी जीवन यापन करने का जरिया था वहीं पे रहा करते थे। और उस जगह पे कोई बड़ी कंपनी या फिर कह लिया जाए कोई फ्लैट या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने वाली थी, जिस वजह से ये लोग रुकावट बन रहे थे। तो उसमें ये होता है कि सरकार के तरफ से उनको हटाने का आदेश आ जाता है, जिसमें कि ये लोग भी वहाँ पे रहा करते थे। और ये लोग वहाँ से हटकर कहाँ जाते, तो वो लोग नकार देते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये रात को हुई घटना में जिनको गोली से मार दिया जाता है, उनकी पत्नी को और उनके साथ जो भी लोग वहाँ पे रहा करते थे उनको भी, तो ये कैसे भी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से दूसरी जगह भाग जाते हैं ट्रेन के माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के ये मेन लीडर के रूप में ये वहाँ पे स्थापित थे, जो कि सबको देख रेख में अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे थे। तब ये बात वहाँ की, जब वहाँ से भाग जाते हैं लोग, तो फिर एक छोटे से गैंग से इनका मुलाकात होता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो हर एक व्यक्ति से बदला लेते हैं जिन्होंने उन लोगों को मारा था। फिर कुछ समय बीतता है तो धीरे धीरे वो फिर उसी जगह पे वापस आते हैं जब सब मामला शांत हो जाता है, जो काफ़ी चेंजिंग हो चुका होता है। जहाँ पे तालाब था वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, और फिर एक बड़ी हवेली वहाँ पे तैयार हो चुकी होती है। इस तरह से बहुत सारे चेंजिंग हो जाते हैं जिनको मनोज बाजपेयी पहचान नहीं पाते हैं, और ट्रेलर की भी शुरुआत यहीं से होती है। ट्रेलर का ड्यूरेशन 1 मिनट 32 सेकंड का है, और IMDB पे रेटिंग जो है वो 10 में से 8 रेटिंग है। डायरेक्टर देवेश मखीजा और राइटर भी वही है देवेश मखीजा। जोरावर मूवी का कास्ट में जो अभिनेता दिखने वाले लोग हैं वो है, जिसमें से मनोज बाजपेयी, जिशन अब्यूब, तनिषा चटर्जी। योराम मूवी 2 घंटे 14 मिनट की इसकी ड्यूरेशन होगी, जो कि 8 दिसंबर को बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगा। योराम मूवी का ये ट्रेलर रिव्यू आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा। यदि बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मूवी से रिलेटेड कंटेंट को जब भी मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।